हेलो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारी टॉपिक रिलेटेड है नीट से, NEET 11 की हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम कंपटीशन की बात करेंगे और आज हम आपको फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑल टू ऑल एनसीईआरटी रहेगा और प्लस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें, 1 2 3 एंड गो। देखिए, आपने बायोलॉजी का नाम तो सुना होगा कि बायोलॉजी क्या है, आपको पता भी होगा सर हमें क्यों बता रहे हो, मन कर रहा तो बता दे रहे हैं। चलिए, बायोलॉजी का ये टर्म है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बनी होती है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जब हम स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में तो छोटी सी बात में हम कह देते हैं कि उसका नाम हो जाता है बायोलॉजी हो जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट, हमें बायोलॉजी के अगर हम फादर के जिक्र करेंगे तो अरिस्टोटल को माना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। अगर हम बायोलॉजी के टर्म की बात करेंगे, बायोलॉजी का अगर हम टर्म की बात करेंगे तो हमने कहा कि बायोलॉजी का जो टर्म था 3 सन में 3 बार आया था। 1799 में पहली बार जिसने बायोलॉजी का नाम दिया उनका नाम था थॉमसन बेडोच, और फिर 1800 में दूसरी बार जिन्हें नाम दिया उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक बर्डक। क्या नाम था? कार्ल फ्रेडरिक बर्डक। और तीसरी बार जिन्होंने बायोलॉजी का टर्म का नाम दिया उनका नाम था ट्राइवीरेनस एंड ले मार। इनको ज्यादातर माना जाता है। 1802 में बायोलॉजी का जो टर्म दिया गया था दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उनका नाम है ट्राइवीरेनस एंड ले मार्क। एनी डाउट? डाउट तो आपको होगा नहीं, सही में। चलिए, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी के डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी नीट में आ जाता है। हमें पता है स्टडी अबाउट लिविंग बींग्स इज नोन एज बायोलॉजी, बट एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर की क्या कहती है कि बायोलॉजी क्या है उसको समझते हैं। ऐसे की फायोलॉजी हमें ये कहना चाहती है कि बायोलॉजी का डेफिनेशन, और उसने तीन बार में बताने की कोशिश करी है। उसने कहा कि बायोलॉजी एक साइंस है जो लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करती है। लाइफ फॉर्म हम ही आते हैं, हमारे प्रोसेस कैसे होते हैं, इसी समझ में आया ना। नेक्स्ट, बायोलॉजी कहती है एनसीईआरटी की कि जो बायोलॉजी है वो लाइफ की स्टोरी बताती है अर्थ। क्या बताती है? लाइफ की स्टोरी अर्थ पे बताने की कोशिश करती है। कौन? फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी या बायोलॉजी। सेकेंड, जो बायोलॉजी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन अर्थ पे कैसे होता है उसको बताने की कोशिश करती है। कौन? बायोलॉजी। तो हमने क्या सीखा कि बायोलॉजी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? पहला कि बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस के बारे में जो अध्ययन करे, जो बताए, वही बायोलॉजी है। दूसरा, लाइफ की स्टोरी बताए, धरती पे स्टोरी लाइफ की कैसी होती है वही बताए, वो कौन है? बायोलॉजी है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन की स्टोरी बताए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस धरती पे इवोल्यूशन कैसे होता है वही क्या है? बायोलॉजी है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, बहुत ही अच्छा है, आपको ये समझ में आ गया होगा भी। चलिए, अब बात इस बात की आती है, जो बात है अब बात ये आती है कि दरअसल लिविंग क्या है, लिविंग क्या चीज है। तो कहा अगर लिविंग की बात आती है तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन राइज होते हैं, पहला होता है फिलोसफिकल और दूसरा होता है टेक्निकल। अगर लिविंग की हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो क्वेश्चन राइज होते हैं, पहला फिलोसफिकल होता है और दूसरा क्या होता है? टेक्निकल होता है। कहा अगर फिलोसफिकल की हम बात करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का सिद्धांत क्या है, हमें लाइफ क्यों मिली। अगर दूसरा हम सोचते हैं टेक्निकल तो बोलते हैं व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग क्या है। तो साइंटिस्ट इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले को नहीं करते हैं, क्योंकि वो साइंस को छोड़कर फिलोसफिकल है, तो उस पर हम ज्यादातर सोचने की जरूरत नहीं है, वो फिलोसफिकल वाले आपको बताएंगे। हमें किस पे हम किसकी जिक्र करेंगे? हम दूसरे वाले करेंगे जिसका नाम है क्या? टेक्निकल, कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। समझ में आया? चलिए, तो कहा लिविंग कौन है, लिखा क्या लिविंग कौन है,
तो बोलेंगे कि लिविंग वो है जिसके पास आर जी एम डबल सी हो, लिविंग वही है जिसके पास आर जी एम डबल सी है, और लिविंग वो नहीं है जिसके पास आर जी एम डबल सी नहीं है। तो लिविंग है जो उसके उसके अंदर आर जी एम डबल सी आना चाहिए। सर आर जी एम डबल सी क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि आर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, और जी का मतलब होता है ग्रोथ, और एम का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, और सी का मतलब होता है कॉन्सियसनेस, और सी का मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये चीजें किसी भी प्राणी के अंदर आ रहा है तो ये लिविंग है। आर और जी ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सर ये क्या होता है, वेट करिए दो मिनट का, जिंदगी बदल देंगे आप। यम डबल सी ये सारे डिफाइन प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो डिफाइन प्रॉपर्टी देखिए यहां लिखिए, आप समझ लीजिए डिफाइन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव नो एक्सेप्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव नो एक्सेप्शन, दैट इज नोन एज डिफाइन प्रॉपर्टी। सर समझ में नहीं आया आप क्या बताना चाह रहे हो। हमने कहा मान लीजिए एक गांव है, एक गांव है, और आप वहां मिलने गए किसी आदमी से, और आपको उस आदमी ने कहा कि इस गांव में सारे लोग गोरे हैं, और आपने इन्वेस्टिगेट करा और आप में आपको उस गांव में सारे लोग गोरे मिले, तो आप बताओगे कि उस गांव में सारे लोग की गोरापन प्रॉपर्टी है, उस गांव के सारे लोग की जो डिफाइंड प्रॉपर्टी है वो गोरापन है, क्योंकि सारे लोग गांव में गोरे हैं। आप दूसरे गांव में गए और वहां के एक व्यक्ति ने बताया कि इस गांव में सारे लोग लंबे हैं, और आप उस गांव में गए, वहां पे इन्वेस्टिगेट करा, और आपने जब इन्वेस्टिगेट करा तो उस गांव में 10 लोग छोटे छोटे मिले, तो हम बोलेंगे कि जो लंबापन है इस गांव का वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसको सारे वो चीज सारे गांव के लोग में नहीं है, लेकिन ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस गांव में सारे लोग गोरे हैं। तो कहा वह प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें कोई एक्सेप्शन हो ही ना, इसमें एक्सेप्शन नहीं है गोरेपन का, तो सारे लोग की वही डिफाइन प्रॉपर्टी, इस गांव की डिफाइन प्रॉपर्टी हुई ना, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, सारे लोग लंबे नहीं है, 10 लोग छोटे हैं, तो इस गांव की ये डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसी तरह कहा कि रिप्रोडक्शन ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टली डिफाइन प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये तीनों है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन ये सबके अंदर नहीं पाया जाता है। इसी चीज को हम आगे टॉपिक में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सही में आना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो और आपको बायोलॉजी पढ़नी है और आपको मजा आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट होने वाली नहीं है।